तड़का दाल, उसके लिए हमने 2 कप ये काला उड़द ले लिया है और ये 2 कप है और 1/3 कप राजमा ले लिया है। इन दोनों को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। इस तरह अच्छी तरह से धो के इसे रात भर के लिए भिगो के छोड़ दें। अगर आप इसे दिन में भिगोएं तो कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के छोड़ें। दाल और राजमा अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब हम 1/2 कप चना दाल लेंगे, इसे भी अच्छी तरह से धो लेंगे। चना दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इन सबको एक प्रेशर कुकर में डालेंगे, उसका पानी निकाल लेंगे और प्रेशर कुकर में डालेंगे। इस तरह सारी चीज़ों को एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक का डालेंगे। नमक स्वादानुसार डाल लें। अब इसमें पानी डालकर और गैस पर सीटी लगने के लिए रखेंगे। हाई फ्लेम पे 1-2 सीटी लगने के बाद इसे हम लो फ्लेम पे रखेंगे। हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगने के बाद 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे इसे बॉईल होने दें, उसके बाद गैस को बंद करें। एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल का डालें, तेल गर्म होने दें। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून बटर का डालें। एक इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च बारीक काट के डालें, इसे इसमें सेक लें। 8 से 10 कली लहसुन की काट के डालें, इन सबको सेक लें। अब इसमें 3 बारीक कटा हुआ प्याज डालें, प्याज को भी हल्का सॉफ्ट होने तक सेकें। प्याज सिक चुका है। अब इसमें 2 प्याज पिसा हुआ डालेंगे, इसे भी हल्का सिकने देंगे। तीन प्याज हमने काट के डाला है और 2 प्याज पीस के डाला है। ये हम करीब 10 से 12 लोगों के लिए दाल बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से दाल बना लें, आपको कितने लोगों के लिए दाल बनाना है उस हिसाब से दाल बनाएं। इतने दाल में करीब 10 से 12 लोग खा लेंगे। प्याज सिक चुका है। अब इसमें हम 3 टमाटर पीस के डालेंगे। ये 3 टमाटर है मीडियम साइज के, उसे हमने पीस लिया है। इसे भी डाल के अच्छी तरह से सिकने देंगे। टमाटर सिक रहा है, इतनी देर हम इसमें मसाले डालेंगे। उसमें 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सबको डाल के चीज के साथ सेकें। आधा छोटा चम्मच काला नमक, इन सबको डाल के सेकते जाएं। टमाटर अच्छी तरह से सिक चुका है, सारे मसाले सिक चुके हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, इसे भी डाल के सेक लेंगे। अब इसमें 2 से 3 बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लें, उसे काट लें और इसमें डालें। इसे
एक से दो मिनट चलाएं, ठीक है। दाल में हमने नमक डाला था, इसमें भी काला नमक डाला है, तो नमक थोड़ा कम ही डालें, इसके हिसाब से, मसाले के हिसाब से नमक डाल लें। अब इसमें हम दाल डालेंगे। दाल हमारी अच्छी तरह से उबल चुकी है। तड़का दाल को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं पड़ता है, ये थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है। इसे इसमें मसाले के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस तरह इसे मिला के 2 से 3 मिनट तक बॉईल करें। दाल हमारी तैयार है। अब गैस बंद करें। अब इस पे धनिया पत्ता डाल के और बटर डाल के सर्व करें। इस तरह तड़का दाल बनाएं। ये बिल्कुल ढाबे के स्टाइल का तड़का दाल बनता है इस तरह बनाने से, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो इस तरह तड़का दाल बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। ये पराठे के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा लगता है।